पुलिस ने 1 करोड़ रुपए की अफीम के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। फर्रुखाबाद पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस ने 2 अफीम तस्करों को गिरफ्तार किया है। तस्करों के पास से 4 किलो नाजायज अफीम बरामद हुई है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 1 करोड़ रुपए है। शुक्रवार को एसपी अशोक कुमार मीणा ने पुलिस लाइन सभागार में घटना का खुलासा करते हुए बताया कि मोहम्मदाबाद पुलिस व एसओजी टीम के द्वारा ज्वाइंट ऑपरेशन चलाकर अफीम तस्कर संजू उर्फ संजय व बाबू चंद्र को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पूछताछ के दौरान बाबू चंद्र ने बताया कि वह झारखंड से आदेश नाम के व्यक्ति से अफीम लाकर बरेली के संजू उर्फ संजय कुमार व उसके पिता सोमपाल को ऊंचे दामों में सप्लाई करता है। आज इसका तीसरा चक्कर था, इससे पहले वे 2 बार माल सप्लाई कर चुका है। वहीं संजू से पूछताछ करने पर बताया कि वह पप्पू नाम के व्यक्ति से अच्छी खासी रकम लेकर अफीम की सप्लाई करता है। गोपीनाथ, फर्रुखाबाद, समाचार 24। मादक पदार्थों को लेकर सर अभियान चला और उसमें फिर रिकवरी हुई, क्या है और कितने अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसका मूल्य आकलन किया जाए? ये थाना मोहम्मदाबाद की पुलिस साथ ही साथ जो हमारी एसएसजी टीम है उनके द्वारा एक संयुक्त कार्रवाई में अंतर्राज्यीय जो मादक पदार्थों के तस्कर है उनके 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक का नाम संजय उर्फ संजय कुमार जो कि जनपद बरेली का रहने वाला है और दूसरा व्यक्ति बाबू चंद्र कुमार दागी जो कि झारखंड का रहने वाला है। इन्हें 4 किलो जो उच्च क्वालिटी की आपकी अफीम है उसके साथ गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ इनके पास से 80,500 रुपये कैश भी बरामद हुआ है और इनके जो मोबाइल हैं वो रिकवर हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, ग्रे मार्केट में इस अफीम की कीमत करीब 1 करोड़ के बराबर है। इनका जो इंट्रोगेशन में पता चला है कि ये हमेशा अपना मार्ग बदल बदल कर जो आपका झारखंड है वहाँ से ये अफीम का प्रिक्योरमेंट करते थे और बरेली के अंदर इसको ये दिया करते थे। इनका जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस के जो लोग हैं, जो झारखंड में कौन इनको सप्लाई करता था और बरेली में कौन इनसे माल लेता था, उनके बारे में भी जानकारी मिली है और उनके ऊपर भी आगे कार्रवाई प्रचलित है। इसमें मुकदमा दर्ज कर इनको